वॉल्स की लेयर के अंदर मैंने लाइन के वेट को मैंने चेंज करना है। वॉल की लेयर के अंदर लाइन टाइप, देखें ऑन, फ्रीज, लॉक, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं उस लेयर के, और उस लेयर के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आप इस लेयर के अंदर चेंजेस लाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर बने हुए हैं वो सारे चेंजेस उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। अगर आपने यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज हो जाएगा, आपने इसको ऑन ऑफ़ करना है तो वो आपके व्यू पोर्ट में ऑन ऑफ होता जाएगा। जो चीज़ उसके अंदर बनी हुई है अगर उस लेयर को हमने ऑफ़ कर दिया तो जो चीज़ उसके अंदर है वो सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह आपने अगर उसको शो करना है लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं उसको सेलेक्ट ना करूँ तो हमने उसको फ्रीज कर देना है। एक मिनट, लाइंस हाइड हो गई हैं। इस तरह यहाँ पे आपने उनको लॉक करना है। इस लेयर के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनको मैंने लॉक कर दिया है। अब एक्सीडेंटली इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, अपना माउस पॉइंटर जब इसके ऊपर मैं लाऊंगा तो एक ताला सा शो होगा मेरे माउस पॉइंटर के करीब, ठीक है, कि आप ये चीज़ मूव नहीं कर सकते। देखें मैं इसके ऊपर मूव कमांड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मूव नहीं हो रही। इसी तरह आप इसको इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया, जो ऑब्जेक्ट्स इस लेयर में बने हुए हैं वो सारे ग्रीन हो गए। कंटिन्यूस टाइप, लाइन वेट, इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये कौन लगा हुआ है? लाइन वेट में आप देखें, अगर इस लाइन वेट को मैं डबल क्लिक करता हूं तो मेरे सामने लाइन वेट की ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं चाहता हूं ये वॉल की जो लाइंस हैं ये थोड़ी मोटी नज़र आएं, इसकी मैं इसके बीच इसका जो वेट है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं 0.50 mm। ये सेलेक्ट कर दिया, ओके किया, अप्लाई किया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे अगर ये ऑफ़ कर दूँ तो ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो आपके जितने लाइन वेट्स हैं वो तब आपको व्यूपोर्ट में नज़र आएंगे जब आपका ये ड्राफ्टिंग टैब बटन ये ऑन होगा। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो तब ये नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डोर्स की लेयर में जाके थोड़ी सी इसकी भी विड्थ में चेंज कर दूँ। बिल्कुल हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन वेट अगर ऑन होगा तो ये चीज़ नज़र आएगी, अगर ऑफ़ होगा तो ये लाइन का वेट जो है ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसका काम क्या है कि आपके लाइन के वेट को आपके व्यू पोर्ट में डिस्प्ले करे, लाइन की विड्थ को। मॉडल आपको मैंने पहले समझा दिया कि अगर आप बिल्कुल नज़र आएगा अगर लाइन का वेट आपका ऑन है, ठीक है, ऑन किया, प्रिंटिंग में ले लेते हैं इसको, एक मिनट, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा? नज़र तो आना चाहिए इसको। डिफॉल्ट प्रिंटर, लाइन वेट, ठीक है,
यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग के अंदर मेरे ख्याल में सेटिंग करनी है। बस नहीं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है प्लॉटर स्टाइल की। यहाँ पे तो आपको सिर्फ व्यू पोर्ट में नज़र आ रहा है कि ये चीज़ इतनी वेट है इसकी, लेकिन आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे प्रिंटिंग में भी नज़र आए, तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन है? शो फिल्टर्स इन लेयर लिस्ट। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ।